नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इन दिनों दिल्ली में पार्किंग की कितनी ज़्यादा समस्या है, इस बात से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन उस समस्या पर निजात पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा हाल ही में एक मीटिंग की गई थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि दिल्ली में जल्द ही 65 पार्किंग स्थल खोले जाएंगे। उसके लिए 44 जगहें देखी जा रही है जहां पर ये नए पार्किंग स्थल खोले जाएंगे। अभी बताया जा रहा है कि इस पे काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही इस पे काम भी शुरू हो जाएगा। और इस अगर ये पार्किंग स्थल बन गए तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा निजात मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पार्किंग को लेकर समस्या है, उससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हर किसी के पास इन दिनों अपना पर्सनल व्हीकल है और वो कहीं भी बाजार में या फिर अपने आसपास के इलाकों में उसे बाहर खड़े करके चले जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर भारी ट्रैफिक, भीड़, इस तरीके की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आम हो जाती है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से गुजरना, वहाँ से चलना। सड़क भी बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखती है। अभी भी इन दिनों किसी भी सड़क पर निकल लिया जाए दिल्ली में, तो वहाँ पर गाड़ियों का तादाद देखने को आसानी से मिल जाएगा। जिस तरीके से पूरी लाइन में गाड़ियाँ खड़ी होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को हटाने के लिए शैली ओबेरॉय द्वारा ये अभी फैसला लिया गया है कि दिल्ली में 65 पार्किंग स्थल खोले जाएंगे, जिससे लोगों को निजात मिलेगी, साथ ही कुछ राहत भी मिल सकती है कि पार्किंग में गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो पाए। आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल दिल्ली में 385 पार्किंग स्थल है, जिनमें से सिर्फ 305 स्थल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी स्थल अभी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, तो वो भी इस्तेमाल होंगे और अभी नए ठेके वापस से मिलेंगे लोगों को, जिस कारण जो है पार्किंग की समस्या में काफ़ी ज़्यादा निजात दिल्ली वासियों को मिल सकता है। इसी के साथ दिल्ली में पार्किंग की समस्या तो है ही, लेकिन उसके पीछे की वजह यह है कि हर किसी व्यक्ति के पास अपना पर्सनल व्हीकल है। लोग इन दिनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं, जिस कारण पार्किंग की समस्या दिल्ली में एक बड़ी वजह बनती जा रही है। इसके पीछे की ये भी वजह है कि दिल्ली में लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जिस कारण उतने ही गाड़ियाँ हैं और उतनी ही पार्किंग की समस्या होती है। तो लोगों से भी निवेदन है कि वो चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पार्किंग की समस्या से निजात मिल सके। इसी के साथ पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाने और ऐसे पार्किंग स्थल जिनके ठेके की अवधि समाप्त हो गई है, उनको नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए शैली ओबेरॉय के निगम अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। मेयर ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली में पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वो नए सिरे से ठेके देने की तैयारी करें। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको लेकर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।